हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। सो इस वीडियो में आज हम इंटरेक्शन करेंगे कीर्ति के साथ। सो कीर्ति करेंटली अपना मास्टर परस्यू कर रहे हैं बिट्स कैंपस इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। सी द पर्पस ऑफ दिस इंटरेक्शन इज बिकॉज अभी रिसेंटली गेट 2023 का एग्जाम कंक्लूड हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जो एनालिसिस कर रहे हैं दे आर गेटिंग यू नो लो मार्क्स, इवन सम ऑफ देम आर नॉट इवन एबल टू क्वालिफाई। तो उनमें एक डायलेमा है, एक जो ना वरिंग फैक्टर क्रिएट हो चुका है कि क्या लो के स्कोर पे हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है। इज इट वर्थ कि हम 3-4 महीने जो ये एडमिशन प्रोसेस है इसमें एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटी, या फिर हमें नेक्स्ट ईयर के ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो कीर्ति, आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, बिकॉज लास्ट ईयर आप भी इसी स्टेज पे थे, आपका गेट स्कोर 404 इन ओबीसी कैटेगरी था। आई एम श्योर कि जब आप स्टार्टिंग फेज में थे तो आपको भी यही क्लैरिटी था दिमाग में कि इस पे कोई ऑप्शन नहीं क्रिएट होगा, अगर होगा भी तो बहुत लोअर एनआईटी क्रिएट होंगे। बट कीर्ति का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा बात था, शी फॉलोड द प्रोसेस और जैसे जैसे मेंटर बताते गए उसने पूरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अपने लिए बीट थ्रू सेल्फ स्पॉन्सर्ड, बीट इन एमएस इन आईआईटीज, और बीट थ्रू देयर रिटन टेस्ट, बीट थ्रू देयर इंटरव्यू। आई गेस आपको 18 से 20 शॉर्टलिस्टिंग आए थे डिफरेंट डिफरेंट जगह से, राइट? उसके बाद फाइनली आपके पास 6 से 7 जगह से ऑफर्स थे, जिसमें आपके पास आईआईटी हैदराबाद का सेल्फ स्पॉन्सर्ड का एमटेक भी था, आई गेस बीएलएस था। लास्ट टाइम जो एक डिबेट था आपके पास, कंफ्यूजन था कि सर बिट्स वर्सेस आईआईटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? और आपने आईआईटी इसलिए चूज करा, सॉरी बिट्स आपने इसलिए चूज करा बिकॉज वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल रहा था, बीइंग अ गर्ल आपको आईआईटी में नहीं मिल रहा था, आईआईटी हैदराबाद में वो नहीं अवेलेबल था, राइट? तो कीर्ति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको लास्ट ईयर आईआईटी हैदराबाद से सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक वीएलएसआई से भी शॉर्टलिस्टिंग था, आईएसएस से भी था, एमएसएमई से भी था, कम्युनिकेशन से भी था, सेल्फ स्पॉन्सर्ड में, राइट? आपके पास आईआईटी इंदौर से एमटेक इन स्पेस कम्युनिकेशन भी था, आई गेस आईआईटी हैदराबाद डायरेक्ट पीएचडी वीएलएसआई था आपके पास, आईआईटी जोधपुर सेल्फ स्पॉन्सर्ड एमटेक इन कम्युनिकेशन था, आईआईटी जोधपुर विदाउट असिस्टेंटशिप विद कम्युनिकेशन था, आईआईटी जोधपुर सेल्फ स्पॉन्सर्ड एआई था आपके पास, आईआईटी जोधपुर सेल्फ स्पॉन्सर्ड इन सीपीएस था, आईआईटी हैदराबाद सेल्फ स्पॉन्सर्ड इन एआई था, आईआईटी कानपुर एमएस इन आरएफ एंड फोटोनिक्स था, आईआईटी धारवाद एमएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, आईआईटी पलक्कड़ एमएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, आईआईटी पलक्कड़ डायरेक्ट पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली एमटेक इन ईसीई, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली एमटेक इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ट्रिपल आईआईटी बैंगलोर एमएस इन एमसीएसपी, आईआईटी रोपड़ डायरेक्ट पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? ये सारे शॉर्ट लिस्टिंग आपके पास थे। तो देखिए, ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपका ग्रेड स्कोर 404 था ओबीसी कैटेगरी में, तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन था लास्ट ईयर प्रोसेस को फॉलो करने से पहले कि क्या कितनी शॉर्टलिस्टिंग आपको आएगी? सर, अगर पहले देखा जाए तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा भी, कि 404 पे तो कोई चांस नहीं बनता है अगर कोई ऐसे देखे। बट फिर आपके गाइडेंस में आपने बोला कि मतलब लो ग्रेड स्कोर पे बहुत से चांसेस क्रिएट कर सकते हैं अगर हम प्रोसीजर फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज ऐसे हैं जो विदाउट गेट स्कोर या जिनके कम गेट स्कोर हैं उनके लिए टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। तो फिर मैंने वो सारे चीज़ें फॉलो की, तो फिर मुझे काफ़ी लंबा प्रोसेस था, बट पेशेंस के साथ हमें थोड़ा वेट करना है, फिर हमें अगर हम अच्छे से इंटरव्यू दें या रिटन टेस्ट दें तो हमें अपने गेट स्कोर के अकॉर्डिंग या उससे भी बेटर, जैसे मेरे गेट स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल सकता किसी भी केस में, बट फिर भी हमें उस मैं प्रोसीजर में लगी रही, तो फिर मुझे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे मिला। या आपका बिल्कुल सही पॉइंट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, एक बार आप जब मेहनत करते हो, अगर कहीं पे आपकी मेहनत थोड़ी सी कम रह गई है, तो जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें उसको और पूरा करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि गेट में किसी वजह से ऑन द एग्जाम डे आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से स्टूडेंट बहुत अच्छे पैकेजेस ग्रैब कर रहे हैं, और आप मुझसे बेटर जानते हैं क्योंकि अभी आप उस कैंपस में बैठे हो, राइट? बिट्स से बच्चे 20 LPA + 25 LPA+ पैकेज दे रहे हैं, आईआईटी हैदराबाद से सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आईआईटी जोधपुर में वही अपॉर्चुनिटी है। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन में रहते हैं कि देखो, वो सीधा कहीं ना कहीं जंप कर जाते हैं कि लेट्स डू अ ड्रॉप, और यू नो ड्रॉप लेके आप प्रिपेयर करो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट वो तब करो जब आप बेटर माइंड हो कि आपको यही चीज करनी है और आप उसके लिए उस डायरेक्शन में एफर्ट भी डाल रहे हो, बट वहां पे अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, राइट? तो अभी आप बिट्स कैंपस में हो, तो आप इंजॉय कर रहे हैं कैंपस को, आर यू हैप्पी कि हाँ यहाँ से मुझे जो मेरा पर्पस था वो सॉल्व हो जाएगा, आई विल बी एबल टू गेट गुड प्लेसमेंट? यस सर, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये कैंपस मिला और मुझे टॉप ब्रांच फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में मिला, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट होता है, प्लस बिट्स का प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स तो बहुत अच्छे हैं, सबको पता है। प्रीवियस भी अगर देखा जाए तो एवरेज पैकेज लगभग सबका 18+ ही होता है,
तो फिर उस हिसाब से तो ये कैंपस बहुत अच्छा है और ब्रांच भी तो बहुत अच्छी है, तो प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ओके कीर्ति, मैं आपको यहाँ पे माइंडसेट आपका जानना चाहता हूँ। जब लास्ट टाइम आप मार्च के बाद ऑब्वियसली प्रोसेस का पार्ट थे, मेरे साथ थे राइट, तो उस टाइम आपको कहीं पूरा 3-4 महीने में फ्रस्ट्रेशन लगा होगा कि यार आपने कितनी जगह पे अप्लाई किया था कि कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या आपके माइंड में चल रहा था उस टाइम पे? सर मैंने अप्रोक्स 40+ फॉर्म्स भरे थे। जो गुड भी अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास, जो भी MS डायरेक्ट PhD या MTech सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मैंने सारे फिलअप किए थे। हमें ऐसे रैंडम मैंने ऐसे रैंडमली सारे फॉर्म्स नहीं फिल किए, जो जहाँ मेरे गेट स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि जो आपने बताया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मैंने वो सारे फॉर्म्स फिल किए। बहुत जगह से कॉल्स नहीं आए, लेकिन बहुत जगह से कॉल्स आए भी जहाँ पे राइट एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे मुझे कॉल आया था IIT कानपुर से MS के लिए इन RF एंड फोटोनिक्स, तो राइट वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वहाँ से भी मुझे कॉल आया था। इसी राइट तरह और भी जगह से मुझे बहुत सारी जगह से कॉल आई थी जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और तो जैसे कम गेट स्कोर था मेरा 400 पर, तो मुझे उस टाइम तो जब गेट का रिजल्ट आया तो लगा नहीं था कहीं पे भी हो सकता है। बट मेरे दिमाग में ये था कि अब जैसे मैंने 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका था, तो मुझे एक और साल अपना वेस्ट नहीं करना था। तो फिर ओके मैंने जो जो जैसे जैसे आपने गाइड किया उसके अकॉर्डिंग फिर मैं गई, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने क्रिएट किया अपने लिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी किया, ऐसा नहीं कि मतलब बस फॉर्म भर दिया, प्रिपरेशन किया और उसके बाद फिर इंटरव्यू क्रैक किया बहुत सारे जगह का। यही कृषि आप बिल्कुल सही बात करें। देखो हमारी कंट्री में ना एक यूथ होता है, एक पीरियड होता है, अगर आपने उस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर दिया तो आप बहुत आगे निकल जाते हो राइट। इफ नॉट आई एम नॉट अ गेस्ट कि आप 3 साल वेट दो, 4 साल वेट दो दीजिए, बट यू डोंट नीड टू गेट स्टक टू वन थिंग। अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो जो आपके पास रिस्पेक्टिव स्कोर है अगर उस पे, जैसे आपने कहा कि IIT कानपुर से भी आपको MS का अपॉर्चुनिटी आया था, तो डेफिनेटली अगर आपके पास आई गेस MTech नहीं होता तो MS कानपुर के साथ आप प्रोसीड करते राइट। यस और सर, गेट स्कोर 404 विद OBC और उसपे ऑल 20+ शॉर्टलिस्टिंग लेना, वो भी हर एक IIT से, NIT से, सब जगह से, तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी जो स्टूडेंट है, अभी जो लो फील कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा गेट स्कोर कम है, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बींग अ पर्सन जो खुद उस जर्नी से निकल चुका है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोलूंगी कि अगर उनके दिमाग में अगर एकदम उन्होंने बना लिया है कि उनको ड्रॉप लेना, तो एक बार उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मैं कह रही हूँ बहुत बहुत, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी नहीं कम है, एक दो अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इवन जब मैंने एडमिशन ले लिया उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज आई थी NIT वारंगल से, सूरत कल से, जहाँ पे उन्होंने सेल्फ स्पॉन्सर्ड फॉर्म्स ओपन किए थे। तो उस राइट बेसिस पे भी इतनी टॉप NITs भी आती हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए। तो जो उन बच्चों का बहुत कम गेट स्कोर आ रहा है, उनको जो जो बस उनको अपडेटेड रहना है कहाँ पे क्या फॉर्म ओपन हो रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली उनको फिलअप करते रहना है और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते रहना है। और ऐसा भी नहीं कि इंटरव्यू क्रैक करना बहुत टफ होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू में बस बेसिकली पूछते यही है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो आप बता ही लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बस प्रिपेयर करना है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और कोई ना कोई बिल्कुल अपॉर्चुनिटी जरूर आप क्रैक कर लेंगे। राइट। मैं हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट को, वी हैव 22+, आई गेस 20+ IITs करेंटली, 30+ NITs, देन IIITs, देन अदर प्रीमियर यूनिवर्सिटी लाइक बेट्स एंड दीज ऑल। सो इतने अपॉर्चुनिटी आपके पास रहते हैं, इवन हैविंग लो ग्रेड स्कोर यू कैन ड्रीम ऑफ, बट उसके लिए आपको जो 3-4 महीने का एफर्ट डालना पड़ता है वो आपको पुट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट एंड ऑफ वेस्टिंग दिस टाइम, टू बी ऑनेस्ट, देखो कोई भी अगर ड्रॉप करना चाहेगा सिंसियर तैयारी वो करेगा अगस्त के बाद भी, तब तक वो कहीं ना कहीं टेंशन में रहता है यार कि कहीं जॉब देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट की जो ये टाइम रहता है जुलाई अगस्त तक एकेडमिक सेशन से पहले वाले, बहुत क्रूशियल टाइम रहता है। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद पीपल लाइक यू जो ऑलरेडी इस चीज को फेस कर चुके हैं और उससे बिल्कुल बैरियर को क्रॉस करके आगे निकले और अपना डिजायर डेस्टिनेशन पर बैठे राइट। यस सर, सो आई थैंक यू कीर्ति फॉर स्पेयरिंग फ्यू मिनट्स फॉर अस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। डेफिनेटली अभी तो आपका स्टार्टिंग है, यू विल डू सम ग्रेट थिंग इन लाइफ फॉर श्योर राइट। यस सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू कीर्ति, थैंक यू। थैंक यू।